फाइनली रॉयल एनफील्ड वालों ने सुपर मीटियोर 650 लॉन्च किया है। इस बाइक के बारे में बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि रॉयल एनफील्ड के लिए एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है क्योंकि ये उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ाने वाला है। दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं एक ब्रांड के लिए, एक जो ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है और दूसरा प्रोडक्ट है जो बिजनेस बढ़ाता है। यामा के पास बहुत सारे बाइक्स है जो वो ग्लोबली सेल करता है, हुंडा के पास भी है जैसे XSR 155 जो ब्रांड को बढ़ा सकता है, बट वो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं उनके प्रोडक्ट का और उनके ब्रांड का, इसीलिए वो यामा FZX जैसे बाइक्स यहाँ पे लॉन्च करते हैं जो प्रैक्टिकल है और लोग लेना पसंद करेंगे क्योंकि FZX एक प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल बाइक है। सुपर मीटियोर 650 आपको किसी तरह का प्रैक्टिकलिटी ऑफर नहीं करेगा। हमारे इंडियन रोड्स में ये बाइक बना है टूरिंग के लिए और टूरिंग में ये इस प्राइस का सबसे बेस्ट बाइक होने वाला है। इसके प्राइसिंग के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि अभी लॉन्च हो गया है। फीचर्स क्या आने वाले हैं इसमें, क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है और ये बाइक का यहाँ पे मार्केट का क्या वैल्यू होने वाला है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ आपको। प्राइस से शुरू करते हैं। यहाँ पे सुपर मीटियोर 650 का प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है। 3.49 लाख एक शोरूम है रेगुलर मॉडल के लिए। जैसे आपको पता है रॉयल एनफील्ड बहुत सारे वेरियंट लॉन्च करता है और इसके वेरियंट में आप अगर टूरर वेरिएंट लेते हो तो वो 3.79 लाख का है। एक शोरूम प्राइजेस है ये सारे। जो प्राइसिंग है इट्स वेरी वेरी गुड। मेरा मानना है कि इस रेंज के बाइक को इस तरह से प्राइस करना बहुत मुश्किल है और मैं ऐसा प्राइसिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस बाइक से। बहुत अच्छे से प्राइस किया रॉयल एनफील्ड वालों ने। अभी ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस होने वाला है या फ्यूचर में वो बढ़ाएंगे ये रॉयल एनफील्ड के ऊपर है। अभी इसके इस डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करो, आप पावर भी कंपेयर करो, आपके दिमाग में आते हैं बाइक्स जैसे कावासाकी वल्कन जो बहुत महंगा है इससे। और नॉट ओनली द प्राइस, आप उसको सर्विस भी करने जाओगे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाला है और कावासाकी का डीलरशिप नेटवर्क और सर्विस सेंटर नंबर्स भी रॉयल एनफील्ड जितने नहीं है। यहाँ पर भी आप देखते हो तो सुपर मीटियोर 650 से क्लियर विनर एंड एट दिस प्राइस विथ एडिशनल एक्सेसरीज आप इसमें फिट करा के बाहर भी एक्सेसरीज फिट करा सकते हो। और एक और बात यह है कि थोड़े से ऐसे पार्ट्स है जो ये मीटियोर 350 से शेयर करता है, तो प्राइस की बात करें तो रॉयल एनफील्ड वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं आने वाला है क्योंकि वो सेम चैसी है, उसी को उन्होंने मॉडिफाई किया है। बट कस्टमर्स के लिए भी इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसके जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है और पार्ट्स का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। आप अभी बुकिंग भी कर लेते हो तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलने वाला है। इसका डिलीवरी स्टार्ट होगा फरवरी से। जो अर्ली बुकिंग जो करेंगे उनको फरवरी तक मिल जाएगा या आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बाइक के लिए एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। वेटिंग के बारे में मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स इस बात को जानते हैं कि कितना वेट करना पड़ता है रॉयल एनफील्ड के बाइक्स के लिए। सेम हुआ है मीटियोर के साथ, क्लासिक के साथ, अभी हंटर के साथ भी यही हो रहा है। अभी आप एक्सपेक्ट कर लो कि सुपर मीटियोर के साथ भी यही होने वाला है एटलीस्ट इनिशियल डेज में, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था ना इंटरसेप्टर तभी भी बुकिंग का चल रहा था। अब इंटरसेप्टर का सेल उतना होता नहीं है, सारे जो रॉयल एनफील्ड या कोई भी ऐसा हाइप्ड प्रोडक्ट होता है उसके सेल्स बहुत तगड़े रहते हैं पहले 6 महीने के लिए। और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने सारे जरूरी फीचर्स आएंगे इसमें, मॉडर्न फीचर्स। एलईडी हेडलाइट में एक्सपेक्ट कर रहा था, एलईडी एलिमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स एक क्रूजर बाइक में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रॉयल एनफील्ड के लिए, जो जाना जाता है सारे सिंपल रखने के लिए। कोई भी ऐसा मॉडर्न फीचर्स वो देते नहीं है, बट यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स मिलेंगे एलईडी हेडलाइट्स के साथ। और ये जो 650 सीसी का इंजन है ये प्रूवन प्रोडक्ट है क्योंकि ये इंटरसेप्टर में है और बहुत टाइम से इंटरसेप्टर में ये यूज किया जा रहा है। और इसके पूरे इंटरसेप्टर के बाइक में लोग इस सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसके इंजन को, और वो इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। सीट का प्रॉब्लम हो रहा था इंटरसेप्टर में, अब यहाँ पे सीट बढ़िया रहेगा। तो टूरिंग के इश्यूज जो हो रहे थे इंटरसेप्टर में, जो इंजन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे उनके लिए तो ड्रीम कम ट्रू है फॉर श्योर। इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें, सीटिंग पॉस्चर, जो कम्फर्ट है, जो एलिमेंट्स इन्होंने यूज़ किया छोटे मोटे रेट्रो एलिमेंट्स, इसको आप देखते हो तो ये ऐसा बाइक है जो कभी एज नहीं होने वाला है। इसके डिज़ाइन लोग पसंद करेंगे आज और 10 साल के बाद भी। और इससे क्या होगा, इससे रीसेल अच्छा रहेगा और रॉयल एनफील्ड का ब्रांड इमेज बढ़ने वाला है और दुनिया में ये अभी लोग जानते हैं रॉयल एनफील्ड के बारे में। अब ये बाइक जब लॉन्च होगा इंडिया से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाहर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे वो चाहते थे एक पावरफुल रॉयल एनफील्ड का बाइक, वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इतने पैसों में जब आप बाइक लेते हो हायर सेगमेंट का,
तो उसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आने चाहिए जो लोअर सेगमेंट के जब आप फीचर्स देखते हो इतने महंगे बाइक में, तो आपको लगता है कि भाई व्हाट आर यू पेइंग एक्स्ट्रा फॉर। वो एक छोटा सा चीज़ लगा मुझे, बट अगर ये सब नहीं करते रॉयल एनफील्ड तो उनको उस प्राइस में लॉन्च करना बहुत मुश्किल है इंडिया जैसे मार्केट में। बट चीज़ ये है ना, ये 241 kg का वेट बाइक है, तो ये रॉयल एनफील्ड का सबसे भारी बाइक है और ये क्रूज़र बाइक भी है। इसका जो फुटबैक पोजीशन वो भी बहुत ज़्यादा फ्रंट सेट है, मीटियोर 350 से भी ज़्यादा फ्रंट सेट है, तो इसको सिटी में चलाना बहुत मुश्किल है। ख़राब रास्तों में इसको आप चलाओगे और इसको मैन्यूवर करना है, यू टर्न लेना है, ख़राब रास्तों में चला के आपको ट्रैफिक में भी चलाना रहता है, तो ये सारे चीज़ों के लिए ना ये बाइक रिकमेंडेड नहीं है, एटलीस्ट फ्रॉम माई एंड। ये उनके लिए जो इंटरेस्टेड है टूरिंग करने में, उनको इंटरेस्ट है और वो ज़्यादातर टूरिंग करना चाहते हैं, और अगर वो सिटी में मैनेज करते हैं तो उनके साथ एक उनके पास एक प्राइमरी स्कूटर या बाइक भी होना बहुत ज़रूरी है। द व्हील बेस ऑफ दिस बाइक इज़ ऑल्सो 1500 mm, बहुत जो बहुत अच्छा है स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के लिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो स्टेबिलिटी होगा इस बाइक का वो बहुत बढ़िया होगा। ये है कि जिनका मन था हार्ले डेविडसन लेने का बट उनके पास बजट नहीं था, तो उनके लिए तो भाई ये बहुत अच्छी डील है जो उनको आँख बंद करके लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि स्टाइल तो ठीक है, लोग अभी वो सेम ओल्ड चार्म मेंटेन करने के लिए ना एलॉय व्हील्स नहीं देते और ट्यूब टायर्स देते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ लगता है मुझे। ठीक है, आप एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि भाई, बट जो प्रैक्टिकलिटी अगर ख़राब हो जाता है बाइक का, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है चलाने के टाइम आपके डेली राइड एक्सपीरियंस में, तो वो गलत है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आया रॉयल एनफील्ड की तरफ से, क्योंकि वो एलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर स्टैंडर्ड दे रहे हैं सारे वेरिएंट्स में, जो बहुत अच्छी बात है। इनके जो एक्सेसरी किट है उनके नाम है सोलो टूरर और ग्रैंड टूरर, और इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या फीचर्स आएंगे, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज क्या आपको मिलेंगे, उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको ना एक आइडिया आ जाएगा कि भाई इसमें आपको क्या फीचर्स मिलेंगे और क्या आपको ये लेना चाहिए, आपके लिए सही है या नहीं, या दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपके लिए बेटर कौन सा है। जो 648cc का जो पैरेलल ट्विन इंजन है जैसे मैंने आपको बोला है, इंटरसेप्टर का ही है, सेम इंजन आपको इंटरसेप्टर में भी मिलता है, कॉन्टिनेंटल GT 650 में भी मिलता है, जो आपको 47 हॉर्स पावर और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। 6-speed का गियरबॉक्स भी मिलेगा, स्लिपर क्लच भी आएगा इसमें, तो आपको ना रैपिड डाउन शिफ्ट करने में कोई तकलीफ नहीं होने वाला, हाई स्पीड में आप चला सकते हो, और अगर आपको कहीं स्पीड ब्रेकर दिख जाता है या आपको ब्रेक्स के यूज़ करने हैं, तो ये जो ड्यूअल चैनल ABS है और स्लिपर क्लच है बाइक को बहुत जल्दी रोक देंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए जो वैल्यू के बारे में सोचता है, और उनके लिए जो हार्ले डेविडसन लेना चाहता है, बट इस प्राइस में उनको वो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट सिमिलर टाइप का फील और परफॉर्मेंस वो चाहते हैं अराउंड 5 lakh के अंदर, आई थिंक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरा मानना है ये वल्कन लेने से भी बेटर है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, आप परफॉर्मेंस भी देख लो। मैं मानता हूँ कि कावासाकी के इंजन्स काफ़ी स्मूथ होते हैं, बट इसके भी इंजन्स अनरिफाइंड या वाइब्रेशंस के साथ नहीं आते हैं, काफ़ी स्मूथ इंजन है, ट्विन सिलेंडर का इंजन है। वल्कन का जो आपको एक्सपीरियंस रहने वाला है सर्विस सेंटर में और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होने वाला है, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आप वैल्यू के बारे में सोचते हो, तो ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है, और इवन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। तो इसके अपडेट्स मैं आपको दूंगा, इसका टेस्ट राइड भी आने वाला है मेरे चैनल में, जो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा, ओपिनियंस दूंगा और इसको मैं कंपेयर भी करूंगा उनके सेगमेंट के बाइक्स के साथ। तो आई विल मीट यू अगेन, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, फिर से मिलेंगे, टेक केयर, राइड सेफ, बाय बाय।